बनी का लास्ट डे शूटिंग हो रहा है, आप दोनों लास्ट डे शूट कर रहे हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना मेमोरीज जुड़े हुए हैं? बनी ने बोला ना किनोवा बोलना चाहेगी वो इसने बोला ना किनोवा, शो की शुरुआत भी किनोवा से, शो का अंत भी किनोवा से, ढूंढ रही है कहीं किनोवा अटक तो नहीं है। चना। अच्छा बनी, हमने देखा है कि हमेशा से हम आते थे, इंटरव्यूज करते थे, लीड एक्टर्स दिखते थे, शो के जो ऑन एयर फेसेस जाते हैं वो हमें हमेशा से देखा है फैंस ने, बट जो ऑफ एयर, जो ऑफ एयर जाने के बाद हम देखना चाहते हैं कि इस पीछे पूरा किन लोगों की मेहनत लगती है, हम सबसे जानना चाहेंगे आप किससे ज़्यादा मिस करोगे? मैं बहुत मिस करूँगी हमारे डायरेक्टर सर झलक सर को सबसे ज़्यादा, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत। और ऑफ कोर्स प्रवेश मिश्रा जी को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, और क्योंकि इन्हें समझने में मुझे वक्त लगा, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है उसमें भी। ऐसे को एक्टर बहुत अच्छे हैं, बट मुझे इन्हें एक इंसान के नाते भी समझना था, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा इन्हें जानना। आपका एक्सपीरियंस कैसा था दोनों एज अ को एक्टर्स, कैसे पूरे तरह से कॉर्डिंग? लेकिन बाय द वे जस्ट सो यू नो, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहती हूँ, वो मैं नहीं ले रही हूँ, बिकॉज जस्ट सो यू नो कई लोग हैं जिन्हें मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ विस्तार में, लेकिन आराम से। हाँ तो खैर वही होता है, जब एक गार्डन से एक पेड़ को हटा दिया जाए तो सिर्फ वो झाड़ को नहीं मिस किया जाता, उस झाड़ के रूट्स को, उसके बाग को, उसके स्टेम्स को, उसके लीव्स को, उसके फूलों को, उसके फलों को, सबको मिस किया जाता है। तो बस इसी तरह मैं हमारे रूट्स, हमारे स्टेम, हमारी अलग अलग लीव्स, अलग अलग फूल, अलग अलग फल, सभी को मिस करूँगा। क्या बात है, मैं आपसे जानना चाहेंगे ऐसे किसी से आप बुलाना चाहोगे तो पूरे ये सक्सेसफुल शो बनाने के लिए जिनका हाथ था? चलिए हाँ, हम आपको लेके चलते हैं, यही कैमरा यहीं रुकेगा और लेके चलते हैं ऐसा। किससे मिलाना चाहते हैं? हम आप सबको मिलाना चाहते हैं हमारे डायरेक्टर झलक शर्मा सर से, बिकॉज उन्होंने ही हमारे शो की नींव रखी थी, और बन्नी बनाने वाले, युवान बनाने वाले, हर किरदार को बनाने वाले। नमस्कार, नमस्कार, मैं झलक शर्मा, मेरे पास दोनों क्यों है बाय द वे? सर क्योंकि हमारा लास्ट डे था और आप जा रहे हैं। हाँ जा तो रहा हूँ मैं आज, ये बात तो सही है, और लास्ट डे नहीं है, दो दिन शूटिंग करोगे तुम लोग ना? पर आप नहीं कर रहे ना हमारे साथ शूट, हमारे लिए फर्स्ट डे आपने शूट किया है। देखो मैंने बच्चों को बड़ा कर दिया अभी, तो कुछ जिम्मेदारी इनकी बनती ना, संभालें घर जरा, तो बस वो करेंगे, संभालेंगे जरा मिलके ये लोगों भी, सब लोग संभालेंगे, पर पापा बैठ के देखें ना कि देखो कैसे संभाल रहे हैं। पापा फोन में रहेंगे, फोन में सब पूछेंगे, मैसेज भी आएगा जब कुछ गड़बड़ होगा तो, डोंट वरी। सर आपसे पूछा जाएंगे कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस? बहुत बहुत नहीं, एक्सपीरियंस तो बहुत कमाल रहा, ये जितना भी समय था बहुत खूबसूरत समय था और बहुत ही उमदा समय था। हम सब ने जो इस वक्त मेरे आसपास के जो बाकी कोई एक्टर भी नहीं है, हम सब ने खूब 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 इंजॉय किया, मेरी टीम, मेरी टेक्निकल टीम, इवन जो हाउसकीपिंग है यहाँ की, सब लोग इतने प्यारे थे। ये लल्लू भी एक आया जो एंड में इसका बच्चा बना है जो कबीर का, क्या खा रहा है दो जरा इसको मुँह से निकाल लो, तो हम सब ने ना बहुत खूबसूरत काम किया और हर क्षण को इंजॉय किया है। Well, अगर सीन के शूटिंग की बात किया जाए तो ऐसे कभी हुआ है कि आपको डांटना पड़ रहा है एक्टर्स को कि ये आपने बतेरी बतेरी वो तो कोई मेमोरी शेयर करना चाहे तो? मेमोरी में रहता ही नहीं सर, क्योंकि इतनी मेरे में हाँ मतलब एक यही सबसे अच्छी बात है कि अगर कभी डांटा है, मेरी तो बेसिकली आदत ही है कि मैं गुस्से होता हूँ तो बिल्कुल तुरंत उस वक्त बोल बाल के काम हो गए, निकल भी कोई, एट द एंड हम काम के लिए झगड़ रहे हैं, पर्सनल झगड़ा जब पर्सनल झगड़ते हैं तब याद रहती हैं चीज़ें, यहाँ कोई किसी से पर्सनल कभी नहीं झगड़ता, सिर्फ काम के लिए झगड़ते हैं, और काम के लिए जब झगड़ते हैं तो समझ जाते हैं, इन्होंने डांट खानी होती है, मैंने डांटना ही होता है 99%, लेकिन कभी कभार ये भी सही होते हैं तो हल्का सा बोलते हैं सर ये ऐसा नहीं ऐसा सोचा था, तो बोलते हाँ ठीक है आई एम सॉरी चलो करो, तो चीज़ें मिलजुल के हो जाती हैं। दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा लाइन्स भूल जाता है और जिसको आपको हमेशा याद दिलाना पड़ता है? नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, दोनों ही अपने काम में बहुत पुख्ता थे, दोनों ही अपना होमवर्क करके बहुत अच्छे से आते थे, तो मुझे कभी किसी को टोकना नहीं पड़ा, और मेरी बेसिक आदत है कि मैं बैठता हूँ, रीडिंग कराता हूँ, रिहर्सल करता हूँ, तो उस दौरान ही अगर नहीं भी की हो तो भी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ ये मैंने हमेशा सर को मतलब आई हैव ऑलवेज थैंक्स सर फॉर दिस कि पहले हम एक रीडिंग करते हैं, आ जाओ तो भी सिर्फ रीडिंग, उसके बाद डायलॉग्स के साथ रिहर्सल करते हैं।
हाँ बोले तू, हो गया तेरा? नहीं नहीं, तो हम लोग पहले एक रीडिंग करते हैं, मतलब सर जो करवाते हैं, पहले सिर्फ एक रीडिंग स्क्रिप्ट के साथ, फिर रिहर्सल स्क्रिप्ट के साथ वापस डायलॉग्स, फिर एक रिहर्सल जहाँ पे विदाउट स्क्रिप्ट एंड विद डायलॉग्स, और तब तक जब तक टेक करना होता है, सीन रम जाता है, हर एक को सीन का जो रस है, देखो हर सीन का एक रस होता है, उस रस में आना होता है, तो करते करते सब बहक जाते हैं और सीन ऑटोमेटिकली मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा हो जाता है और एम्बियंस बना देते हैं सर, माहौल तो सेट हो जाता है, मतलब ये तो लड़की कमाल ही करती है। तो तारीफ कर दीजिए ना, तेरी तारीफ कर दो। लास्ट डे है तो कितना मिस करेंगे आप ना? हम तो बहुत करेंगे सर को पता नहीं। मैं मिस वाली बात करूं तो बहुत एक सच्ची बात कहूं, मैं मिस जरूर करता हूं, कुछ दिनों तक आप जहन में रखते हो, मिस भी करता हूं मैं सबको जनरली, मेरी जो बेसिक प्रैक्टिस है कि मैं कहता फ़ोन भी करूंगा, फिर सामने से अगर फ़ोन आएगा मैसेज आएगा तो आगे बातचीत होगी, और मेरे अनुभव के साथ साथ हर शो में एक आधा ही होता है जो आपको रिस्पॉन्स करता है समय के साथ साथ और जुड़ा रहता है, 99% उसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाता है, मैं भी कहीं ना कहीं बिज़ी हो जाऊँगा। एक तुरंत हमारी मालकिन आ गए शीतल जी, जितेंद्र जी कैमरा पैन कर दो प्लीज, आ जा तो फ्रेम में आइए ना, आ जाओ ना फ्रेम में, अरे ग्रुप में हो रहा है, शीतल जी आइए ना, शीतल जी, अरे शीतल जी लॉक खींच गई, अरे आओ ना शीतल जी, अरे आ जाओ ना, मतलब हमारे शो के मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर शीतल जी, मतलब इनके बिना कुछ सोचना कुछ करना, इस वक्त जो मेरे शब्द और सांसें भी निकल रही हैं, इन्होंने मुझे कुछ खिलाया पिलाया तो निकल रही है, तो जानी ना होती मेरे में, मेरे लिए रोज सलाद आती, आ जाई नहीं आई है, पता नहीं अकेले बात करते हैं। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, सब वो बोल रहे हैं मेरे हिस्से का। पता जब मुझे पता चला ना कि शो, जब मुझे न्यूज ब्रेक किया गया था, हमें ऑफिस में बहुत प्यार से बुलाया गया था, बिकॉज दे नो कि हमारे लिए कितना डिफिकल्ट था, मैं शीतल मैम के कंधे पर उनके हग में इतना रो रही थी, बिकॉज वी नो जोधपुर के मैम स्केड्यूल से लेकर अब तक वेरी ऑफन उन्होंने हमेशा हमें चेक करने के लिए आई हैं कि सबका मोरल कैसा है, एंड मेरा एक्सपीरियंस आप सबके साथ बहुत बहुत अच्छा लगा है। बेस्ट पार्ट ये है कि मैं ऑर्डर में जितने ऑर्डर किए हैं, मेरे खाने की बड़ी दिक्कत होती है, और ये खाना पूरा ऑर्डर में बनाती हैं खुद, ये है बननी चाओ है ये, और मतलब इतने लोगों का ऑलमोस्ट मैंने 20-25 लोग खा लेते होंगे, और उन सबका खाना बनना तारीफ के काबिल वाली बात है, ऐसे पता भी नहीं लगता कब बना, पता भी नहीं, मतलब डेफिनेटली हमारे जो स्पॉट्स होते होंगे मदद करते होंगे, बट फिर भी पूरा चार्ज लेके करना करवाना, और इतना टेस्टी, मतलब मुझे भी पूरे लाड दुलार के साथ, मुझे अभी भी वो जो कड़ी है इनकी वो एक मिस हो गई, बननी थी एक बार सेट पे, वो शायद अभी किसी और शो में बनेगी कड़ी, बट ये तो अनुभव कमाल था ऑर्डर, मतलब इतना मजा आया, मिस नहीं किया घर को मैंने, पता नहीं चला कि कहाँ हमारे 7-8 दिन निकल के खाना खाते हुए काम करते हुए, आपकी बीवी बोलेगी घर को मिस नहीं किया। हाँ नहीं नहीं, वो पुनः को पता है जहाँ खाना अच्छा मिल जाए आदमी मिस नहीं करने वाला। शो की बात किया जाए तो ऐसा कौन सा पूरा डे टू डे अगर हम शूट कर रहे हैं मॉर्निंग टू नाइट, तो ऐसा कोई बेस्ट पार्ट है जो आपको हमेशा से एंजॉय आपने किया है शूट करने के लिए? मुझे लगता है सीन रीडिंग में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है, मैंने हर एक सीन को हर एक मोमेंट को एंजॉय किया, हम सब ने एंजॉय किया, खाली मेरी बात भी नहीं है, क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ सभी एंजॉय कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई एक भी ना कर रहा है तो मुझे वो एक एहसास हो जाता है यार ये कहीं सीन में नहीं है, क्यों नहीं है, ऑफिसर उसको इनकॉर्पोरेट कर, हाँ फिर वो मैं जनरली मैं डिफॉल्ट डायरेक्टर डिफॉल्ट डॉक्टर, तो मैं जनरली हर एक की लाइफ में थोड़ा पर्सनल ध्यान देता हूँ, क्योंकि मेरे जो सेट पे कलाकार आ रहा है उसका मूड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अगर कहीं भी उसकी लाइफ में कुछ ग्लिच है आज कुछ हो गया है तो मुझे पता होना ज़रूरी है, मैं पूछ लेता हूँ पता कर लेता हूँ डाइल्यूट करता हूँ, और सब सीन का हिस्सा बन के बहुत अच्छा काम करते हैं। रविश आप कुछ कहना चाहेंगे, बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट मतलब एवरीथिंग, मतलब शुरुआत से लेके अंत तक सब कुछ बेस्ट है, एंड इट्स बिन अ लर्निंग जर्नी फॉर एवरीवन, मतलब सबने बहुत कुछ सीखा है एक दूसरे की सोहबत में, सर की सोहबत में, एंड ऐसी चीज़ें जो आई एम श्योर सब जिंदगी भर के लिए रखेंगे, सो दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग जर्नी फॉर एवरीवन इन मोर देन वन वेज, आई एम श्योर। आप लोग भी कुछ शेयर करना चाहे तो? बस इन्होंने बोल शॉर्ट रुका हुआ बनी चाहो बिल्कुल।
लास्टली बन्नी चाओ के सभी फैंस को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सब साथ मिलके। यू ऑल हैव लिव्ड द जर्नी विद अस। आपने बन्नी को बढ़ते हुए, सबको ठीक होते हुए, कहानी को अनेकों मोड़ों पे जाते हुए देखा है और आप इस कहानी का एक हसीन अंत भी देखेंगे। आई जस्ट होप हम सब ने एज ए टीम आपको एंटरटेन किया। और मैं एक बहुत ऑनेस्ट चीज़ अपने ऑडियंस से, दर्शकों से कहना चाहूँगा, इस शो में जो खूबसूरत बात थी कि आप ईमानदार रहें, जीवन में क्या हो रहा है आपके उससे विचलित ना हो हम, क्योंकि हम भगवान नहीं इंसान हैं, कुछ भी घटेगा आप विचलित होंगे, बट जब कभी भी मुड़ के देखेंगे आपको लगेगा यार अच्छा हुआ। तो इसलिए विचलित ना हो, स्ट्रांग रहें और किसी अपने से बात करें जब आप कभी दुखी हो। जैसे बन्नी जब कभी दुखी हुई है उसने अपनी माँ की फोटो से बात की है। नहीं चाहिए आपको इंसान, आप किसी से बात करो, ईश्वर से बात करें, अकेले अकेले परेशान ना हो, खुश रहें सब लोग। धन्यवाद, ये सबसे बड़ा मैसेज है। हाँ, मतलब आज के टाइम में तो वैसे ही। और इस शो ने यही दिया है, इस शो ने यही दिया, जब जब कुछ हुआ है हम सब ने आपस में बात की है, किरदारों ने भी एक दूसरे से ऐसी बात की है और हम लोग इस जर्नी को बहुत खूबसूरत बनाया हमने। दुनिया दुखों के एक पहरी। हमारा काम रुका हुआ है, लास्ट एपिसोड आप लोगों ने देखना है, हमें वो शूट करना है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द लव, बाय, टेक केयर।